नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक सफेद हाथी के बारे में कहानी सुनने वाले हैं जो हमेशा अपनी अंधी और कमजोर मां की मदद करता था। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, हिमालय की शानदार पहाड़ियों के नीचे एक झुंड 80,000 हाथी रहते थे। उनके नेता एक शानदार और अद्वितीय सफेद हाथी थे जो बहुत ही दयालु आत्मा थे। उन्होंने अपनी मां से बहुत प्रेम किया था जो अंधी और कमजोर हो गई थीं और खुद का ध्यान नहीं रख सकती थीं। प्रतिदिन यह सफेद हाथी खाने के लिए जंगल के अंदर गहरे तलाश में जाता था। वह अपनी मां को भेजने के लिए सर्वश्रेष्ठ जंगली फलों की तलाश करता था, लेकिन उदास उसकी मां को कभी भी नहीं मिलता था। यह इसलिए था क्योंकि उसके संदेशवाह हमेशा उन्हें खुद ही खा जाते थे। प्रतिरात जब वह घर लौटता तो वह हर बार हैरान हो जाता कि उसकी मां पूरे दिन भूखी रह गई थी। उसे अपने झुंड से पूरी नफरत हो गई थी। फिर एक दिन उसने तय किया कि वह सबको पीछे छोड़ देगा और रात के बीच में अपनी प्यारी मां के साथ गायब हो गया। उसने उसे माउंट कैंडोराना ले जाकर एक गुफा में रहने के लिए ले गया जो एक सुंदर झील के पास था, जिसे सुंदर गुलाबी कमलों से ढंका गया था। ऐसा हुआ कि एक दिन जब सफेद हाथी खाने के लिए था तो उसने बड़ी चीखें सुनी। बनारस के एक वनस्पति ने जंगल में रास्ता खो दिया था और वह पूरी तरह से भयभीत था। उसने यहां पर अपने रिश्तेदारों को मिलने आया था और बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। इस बड़े सफेद हाथी को देखकर उसका भय और बढ़ गया और वह जितनी तेजी से हो सका भाग गया। हाथी उसका पीछा करता गया और उससे कहा कि वह डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी मदद करना चाहता था। उसने वनस्पति से पूछा कि वह इतनी बहुत ही क्यों रो रहा है। वनस्पति ने उत्तर दिया कि उसके 7 दिनों से जंगल में भटक रहा था और रास्ता नहीं मिल रहा था। हाथी ने उससे कहा कि चिंता न करें, क्योंकि उसे इस जंगल के हर कोने का ज्ञान था और वह उसे सुरक्षित स्थान तक ले जा सकता था। फिर उसने उसे अपनी पीठ पर उठाया और उसे जंगल के किनारे तक ले जाकर छोड़ दिया, जहां से वनस्पति खुशमिजाजी से अपने रास्ते पर बनारस की ओर चला गया। शहर पहुंचने पर उसने सुना कि राजा ब्रह्मदत्त का निजी हाथी अभी हाल ही में मर गया था और राजा एक नया हाथी ढूंढ रहा था। उसके घोषक शहर में घूम रहे थे, घोषित करते हुए कि ऐसा कोई व्यक्ति जो राजा के लिए उपयुक्त हाथी देखा या सुना हो, उस सूचना के साथ सामने आए। वनस्पति बहुत उत्साहित था और तुरंत राजा के पास गया और उन्होंने माउंट कैंडोराना पर देखा हुआ सफेद हाथी के बारे में बताया। उसने कहा कि उसने रास्ता चिन्हित किया है और इस अद्भुत हाथी को पकड़ने के लिए हाथी प्रशिक्षकों की मदद की आवश्यकता होगी। वनस्पति बहुत उत्साहित था और तुरंत राजा के पास गया और उन्होंने माउंट कैंडोराना पर देखा हुआ सफेद हाथी के बारे में बताया। उसने कहा कि उसने रास्ता चिन्हित किया है और इस अद्भुत हाथी को पकड़ने के लिए हाथी प्रशिक्षकों की मदद की आवश्यकता होगी। राजा ने इस सूचना से काफी खुश थे और तत्काल वनस्पति के साथ कई सैनिकों और हाथी प्रशिक्षकों को भेज दिया। बहुत दिनों तक यात्रा करने के बाद समूह झील के किनारे पहुंचे, जिसके किनारे हाथियों का निवास था। वे धीरे धीरे झील के किनारे की ओर बढ़े और झाड़ियों के पीछे छुपे। सफेद हाथी अपनी मां के भोजन के लिए कमल के पत्तियां इकट्ठा कर रहा था और मानवों की मौजूदगी को महसूस कर रहा था। जब उसने उच्चारित तो उसने वनस्पति को देखा और समझा कि यह वही है जिसने राजा के लोगों को उसके पास ले आया था। उसे अभक्ष्यता पर बहुत नाराजगी थी, लेकिन उसने तय किया कि अगर उसने संघर्ष किया तो बहुत से लोग मारे जाएंगे, और वह किसी को चोट पहुंचाने के लिए बहुत ही दयालु था। इसलिए उसने उनके साथ बनारस जाने का फैसला किया और फिर उस पर कृपाशील राजा से मुक्ति की अनुरोध किया। उस रात जब सफेद हाथी घर नहीं लौटा तो उसकी मां बहुत चिंतित थी। उसने बाहर की सभी हलचल सुनी थी और समझ गई थी कि राजा के लोग उसके बेटे को ले गए हैं। उसे डर था कि राजा उसे युद्ध में ले जाएंगे और उसका बेटा निश्चित रूप से मार जाएगा।
उसे यह भी चिंता थी कि कोई उसकी देखभाल नहीं करेगा और न ही उसे खिला पाएगा, क्योंकि वह देख नहीं सकती थी। वह बस लेटी रही और बहुत रोई। उसके बीच उसका बेटा खूबसूरत बनारस शहर में ले जाया गया, जहां उसका शानदार स्वागत किया गया। पूरा शहर सजा सजाया गया था और उसका खुद का स्थान खूबसूरती से रंगा गया था और सुगंधित फूलों की माला से ढंका गया था। प्रशिक्षकों ने उनके नए राज्य हाथी के लिए एक खाना सजाया, लेकिन उसने एक भी टुकड़ा छूने का इनकार किया। वह किसी भी प्रकार के प्रेरणा का प्रतिक्रिया नहीं देता था, चाहे फूलों की सुगंध हो या सुंदर और सुखद स्थान। वह बस वहां बैठा हुआ पूरी तरह से निराश दिखाई देता था। चिंतित प्रशिक्षक सीधे अपने राजा को रिपोर्ट करने गए, क्योंकि उन्हें डर था कि हाथी केवल भोजन या पानी के बिना ही व्यर्थ हो जाएगा। जब राजा ने उनके कहने पर सुना तो वह बहुत चिंतित हुए और स्वयं स्थान चले गए। उन्होंने हाथी को राजशाही मेज से भोजन प्रस्तुत किया और उनसे पूछा कि वह इस प्रकार दुहक क्यों कर रहा है। उनको लगा कि हाथी को गर्व और सम्मान महसूस होना चाहिए कि उसे राज्य हाथी के रूप में चुना गया है और उसको अपने राजा की सेवा करने का अवसर मिलेगा। लेकिन सफेद हाथी ने कहा कि वह अपनी मां से मिलने तक कुछ भी नहीं खाएगा। तब राजा ने उससे पूछा कि उसकी मां कहां है। हाथी ने जवाब दिया कि वह माउंट कैंडोराना पर घर पर है और वह चिंतित और भूखी हो सकती है, क्योंकि वह अंधी हैं और उनको खिलाने और देखभाल करने वाला कोई नहीं है। उसे डर था कि वह मर जाएंगी। दयालु राजा को हाथी की कहानी से प्रभावित हुआ और उससे उसकी अंधी बुजुर्ग मां के पास वापस जाकर उसकी देखभाल करने को कहा, जैसा कि वह पहले भी कर रहा था। उसने प्यार और दया में उसे मुक्त किया। खुश हाथी जितनी जल्दी हो सके घर की ओर दौड़ा गया और वह आराम से उसे जिंदा पाकर आश्चर्य में था। उसने अपनी नाक को पानी से भरकर अपनी बीमार मां पर डाला, जिसे लगा कि यह बारिश हो रही है। फिर उसने चिल्लाया, क्योंकि उसे लगा कि कोई दुष्ट आत्मा उसे नुकसान पहुंचाने आया है, और उसने अपने बेटे को बचाने की कामना और प्रार्थना की। सफेद हाथी ने अपनी अंधी मां के पास धीरे से झुककर उसको प्यार से सहलाया। वह तत्काल उसके स्पर्श को पहचान गई और बहुत खुश हो गई। उसका बेटा उसे उठा लिया और उसे बताया कि बेनारस के दयालु और दयालु राजा ने उसे मुक्त किया है और वह यहां है कि अपनी मां को हमेशा के लिए प्यार करें और देखभाल करें। उसकी मां पूरी खुशी से भर गई और उस दयालु राजा को शांति, समृद्धि और आनंद के साथ आशीर्वाद दिया। उसे उसके बेटे को घर भेजने के लिए उस पर अत्यधिक कृतज्ञ थी। सफेद हाथी ने अपनी मां की देखभाल अच्छी तरह से की जब तक वह मर नहीं गई, और जब उसका अंत हुआ तो राजा ने झील के किनारे पर उसकी प्रतिमा का निर्माण किया और वहां हर साल एक अगवान हाथी के मेले का आयोजन किया गया, जिसमें इस धर्मी और उदार आत्मा की याद में इवेंट किया गया। कहानी का सार: हमेशा हमारे प्रियजनों को प्यार और देखभाल दें, हमेशा दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें।